हाय गाइस, माय नेम इज़ काशिफ और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने चैट जीपीटी को मैक में मेन्यू बार पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट गेट स्टार्टेड। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक यूआरएल है, आपको इस यूआरएल पे जाना है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको ये यूआरएल प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके इस यूआरएल पे आप पहुँच जाएंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये वर्क करता है, आपको कैसे यूज़ करना है। और अगर मैं ये बात करूँ तो ये जॉर्डी ने बनाया है, मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आई वॉन्ट दिस बटन आ रहा है, बट यहाँ पर आप कुछ प्राइस पे भी कर सकते हैं। बट अगर आप कुछ पैसे पे नहीं करना चाहते और सिंपली बस डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ज़ीरो पुट करके और आई वॉन्ट दिस पे क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसका जो साइज़ है वो 2 MB का है, तो मतलब बहुत ज़्यादा कोई हैवी सॉफ्टवेयर टाइप कुछ भी नहीं है, एक बहुत ही शॉर्टकट टाइप चीज़ है ये। तो आप यहाँ पर आई वॉन्ट दिस पे क्लिक करके और इसे डाउनलोड के पेज पर आप आ सकते हैं। नाउ यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस पुट करना होगा, मैं यहाँ पर सिंपल अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। और उसके बाद आप जब ये लिख दें तो आप गेट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड का बटन आ चुका है। सो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये आ चुका है। बस इस पर एक और बार क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैक जीपीटी करके एक एप्लीकेशन आ गया है। इसे आप अपने एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर रख दीजिए और जब ये ऐसा हो जाए तो आप अपने लॉन्च पैड पर अगर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको मैक जीपीटी करके एक आ जाएगा। बस इसको आप एक बार क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड देन यहाँ पर आपको ये लॉगिन करना होगा जो आपका ओपन एआई का अकाउंट है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन पे एक बार क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मुझे 2-3 ऑप्शन दिखाया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं डायरेक्टली ईमेल एड्रेस से भी लॉगिन कर सकता हूँ, बट मैंने साइन अप अपने गूगल अकाउंट से कर रखा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी से साइन इन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक नोटिफिकेशन आ गया है मेरे पास, मैं अपने फ़ोन में इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो यस इट्स मी, मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर अपडेट होने का वेट कर लेते हैं। आई हैव रिस्पॉन्डेड ऑन माई फ़ोन, मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। अब जैसा ऊपर में देख सकते हैं अपने मेन्यू बार पे, तो यहाँ पर ओपन एआई का और चैट जीपीटी का लोगो आ चुका है। और इसे आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिए कि मैंने क्या क्या सर्च कर रखा है। बाकी अगर मैं यहाँ पर कुछ सर्च करना चाहूँ, लाइक व्हाट इज़ बिरयानी, तो लेट्स सी ये वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये वर्क कर रहा है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ और अगर मुझे यहाँ से ही अगर काम करना हो तो मैं कैसे करूँगा, इस पर बस क्लिक करना है मुझे और यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाएगा एक डायलॉग बॉक्स और मैं यहीं से डायरेक्ट कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। सपोज़ करिए व्हाट इज़ जावा, राइट अ सिंपल कोड। देखते हैं ये कर पाता है नहीं कर पाता। यहाँ पर इस जगह पर होने से आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं और आपको जल्दी से एक आंसर चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके और जल्दी से आप इस पर सर्च कर सकते हैं और इससे एक आपको एक अच्छा आंसर मिल पाएगा। सपोज़ करिए कि मैं कुछ जावा के लिए पढ़ रहा था और यहाँ पर मुझे जल्दी से लिखना पड़ा और मैं समझ भी पाया कि अच्छा ठीक है ये होता है। सो इस तरीके से आप एक्सेस ले सकते हैं अपने चैट जीपीटी को अपने मैक के मेन्यू बार पे। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो और हेल्प किया अगर आपको ये वीडियो, तो आप लाइक बटन पे क्लिक करके इस वीडियो की आप हेल्प कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके और समझ में आए कि किस तरीके से ये चैट जीपीटी को अपने मैक ओएस में मेन्यू बार पे लगा सकते हैं। सब्सक्राइब करिए और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।